जी हूँ, आप कैसे हो? अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो सर, आज देश में इतना बड़ा फैसला हुआ है, अयोध्या पे वर्डिक्ट आया है, तो क्या आपने, आपको तो पता ही होगा क्या वर्डिक्ट आया, तो आपका क्या टेक है इसमें? जैसे आप जाने जाते हो कुछ भी चीज को ऑनेस्टली रिव्यू करने के लिए, तो इस पे आपका क्या रिव्यू है? देखो, मैं एक मुसलमान हूँ और एक हिंदुस्तानी। जिस तरह से हमारे देश में सारे धर्म को मानने की हमें आज़ादी है पूरी पूरी तरह से, उसी तरह हमारे संविधान में हमें हक है कि हम हमारी आवाज़ को भी बुलंद करके हमारा हक मांग सके और बोल सके। मैं ये मानता हूँ एक मुसलमान होने के नाते, और जो मुझे बचपन से सिखाया गया है मेरे माँ बाप ने, और जो मैंने पढ़ा है कुरान में और जो हदीस में पढ़ा है, और जिस तरह से मैंने जितना भी इस्लाम को जानता हूँ, कि ये दुनिया में जो भी होता है, मैं सांस ले रहा हूँ, मेरी धड़कन चल रही है, मुझे हवा मिल रही है, पानी मिल रही है, पत्ते हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी के, सिर्फ उसकी मर्जी के वजह से हो रहा है। तो मेरी जिंदगी में जो भी होता है, जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता था, सब करते अपनी अम्मी से प्यार, लेकिन मेरा उनके अलावा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मुझे समझता था, वो मेरी माँ थी। जब अल्लाह ने मेरी अम्मी को मुझसे ले लिया, तो फिर मैंने सोचा कि या अल्लाह तुमने ये क्या किया, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी वो। अल्लाह की मर्जी के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। हम पैदा होते हैं, मरते हैं, हम जो भी करते हैं वो अल्लाह की मर्जी से होता है। अयोध्या का, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, इसका फैसला, अगर मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक ईमान वाला हूं, तो मैं इस फैसले को मानता हूं। और दूसरी बात, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भी मैं मानता हूं। मैं इसमें यह नहीं कहूंगा मेरे हिंदू भाइयों से, मैं ये कहूंगा कि मेरे भाइयों, अगर फैसला तुम्हारे हक में हुआ है, तो किसी दूसरे मजहब की मजाक मत उड़ाना, उन्हें गले लगाना, क्योंकि जाके पूजा कर रहा है ना, हम में से कोई वहां जाके नमाज पढ़ रहा है। ये इतने सालों से एक मुद्दा था जो सॉल्व हो गया है। आज और कल के दिन आम आदमी को जो प्रॉब्लम हुई है ना, एक आम मुसलमान और एक आम हिंदू, अपने बच्चों को उन्होंने स्कूल नहीं भेजा, अपने घरों में बिल्कुल सिमट गए, एक डर सा उनके दिल में आ गया कि कहीं वापस 6 दिसंबर की तरह कुछ हो ना जाए। तो ये ऊपर वाले का एहसान है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, या आम लोग फिर से नॉर्मल हुए। हमें इस फैसले को मानना चाहिए, हमें अल्लाह की मर्जी को मानना चाहिए, और हमें आगे बढ़ना चाहिए कि अब हम आगे बढ़े इससे, कम से कम ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर, जो राजनीति इतने सालों से हमारे साथ हो रही थी, वो खत्म हो गई। तो हमें इसको मान के आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एक हो गए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। बनाओ, जो बनाना है वहां बनाओ, दिल से बनाओ, लेकिन मिलके बनाओ। ये मेरी राय है। और हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो पीढ़ी है, कम से कम वो तो इससे बच गई जो हमारे पे थोपा गया था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर, बाबरी मस्जिद राम मंदिर। हाँ, कम से कम वो फैसला आ गया, अच्छी बात है। और कल तक सारे के सारे लोग, मैं कहूंगा कि जितने भी लोग थे हमारे, चाहे मुसलमानों के लीडर हो, उलमा हो, चाहे पॉलिटिशियन लोग हो, चाहे जितने लोग हो, सबने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे। और आप सबसे भी हम विनती करते हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के वर्ड है, वारिस पठान ने ये कहा, सारे नेताओं ने ये कहा कि हमें उसे मानना है, और बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। लेकिन अब सडनली उनको, आई डोंट नो क्या हो गया,
कि वो सडनली कहते हैं कि हमें ये खैरात में नहीं चाहिए। जी जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि हमें, हम इतने भी गरीब नहीं कि हम एक 5 एकड़ की जमीन अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं मेरे हैदराबाद वाले भाइयों को बोल दूंगा तो वो मुझे इतना पैसा दे देंगे कि मैं जाके वहां जमीन खरीद लूं। बात वो नहीं है असद भाई, बात वो नहीं है, बात सिर्फ हैदराबाद की या बात सिर्फ अयोध्या की या बात सिर्फ एक इलाके की नहीं है। आप जानते हैं, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपके इस फैसले से कुछ लोग जो मान रहे थे, आपने जो कहा था सब मान रहे थे, आपको लोग फॉलो करते हैं, अगर अल्लाह ना करे कुछ हो गया, क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। हम सब इस फैसले को मानते हैं, हम सब आम आदमी इसको मानने लगे हैं, हम सब लोग इसको मानने लगे, ठीक है जो हुआ ठीक है। अगर सडनली ऐसे आप, कल तक आप कुछ और कह रहे थे, आज आप कुछ और कह रहे हैं, 3 घंटे के बाद, फैसला आने के 3 घंटे के बाद आपने ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के, मैं समझता हूं बिहार में इलेक्शन है, मुद्दा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का खत्म हो गया है, तो अब कोई मुद्दा बचा नहीं, मैं समझता हूं। लेकिन सर इसको पॉलिटिक्स से दूर रखिए सर, इसमें कई मासूम हिंदुओं की, कई मासूम मुसलमानों की जानों का सवाल है, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप कभी बाबरी मस्जिद गए हैं? क्या आपने कभी बाबरी मस्जिद का इतने सालों में दौरा किया है? नहीं किया होगा सर, और ना कोई राम मंदिर गया है। वहां पे चंद लोग रहते हैं, उनको सुकून से रहने दीजिए, क्योंकि 6 दिसंबर सबको याद है क्या हुआ था, ब्लैक कैसे day. हुआ था ब्लैक डे। बड़े मुश्किल से हिंदू मुसलमान एक होके रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमें असद भाई, सबसे पहले हमें मुसलमानों को ये करना चाहिए कि हमें मुसलमान बनना चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया मुसलमान बन जाए और हम मुसलमान नहीं बन रहे। मुसलमान का मतलब होता है मुकम्मल ईमान वाला, देने वाला, रहम करने वाला, आपस में मिलाने वाला। असद भाई, मेरा आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप प्लीज ऐसे बयान ना करिए, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और माहौल खराब हो सकता है। मुझे यह पता नहीं चलता, बीजेपी सरकार में जब 144 लागू हुआ है और पूरी इंडस्ट्री को यह मैसेज आया है, सबको आया है, नेताओं को आया, ट्विटर को आया, इंस्टाग्राम को आया है कि कोई भी भड़काऊबाजी का बयान नहीं करेगा, कोई भी भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं देगा, उसमें अब ये सारे ऐसे स्टेटमेंट आने लगे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं बोलता हूं सरकार से, मेरी गुजारिश है आप 2-3 दिन के लिए इंटरनेट को बंद कर दीजिए। ये इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने जो हमारे देश का माहौल खराब किया है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि सर एक मैसेज से लाखों लोगों की जिंदगी, आप देखिए ना, अब देखिए ना, यही तो हो रहा है। सुबह तक सब ठीक था, आप देखिए सोशल मीडिया पे वापस से वो सब चालू हो गया है। टीवी न्यूज डिबेट, मतलब कोर्ट ने तो अपना फैसला, हमें क्या करना चाहिए पता है असद भाई, हमें हमारे आसपास की जितनी मस्जिदें हैं ना उसको आबाद करना चाहिए। हम बाबरी मस्जिद तो नहीं बचा सके ना, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता है। असद भाई, अगर अल्लाह चाहता तो किसकी औकात है, किसकी ताकत है? किसी की नहीं है, मेरा रब्बुल आलमीन नहीं चाहता है। असद भाई, वो ये चाहता है कि पहले हमारे मोहल्लों की, पहले हमारी एरियाओं की मस्जिदों को आबाद करो। एरिया की मस्जिद तो हमारी खाली पड़ी है, लोग नमाजें तो पढ़ नहीं रहे, चंद मुसलमान नमाज पढ़ रहे, और हम बाबरी मस्जिद कहां जा रहे हैं? सब कुछ अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह ने कहा है कि सिकंदर भी यहीं रह गया था, दोनों हाथ खाली छोड़ के चला गया था, मेरे अल्लाह ने कहा था कुछ नहीं मिलेगा, हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल, और कुछ हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो एजाज भाई, जैसे आपने कहा कि अयोध्या में ना हिंदू जाके पूजा कर रहा है, ना मुसलमान जाके नमाज पढ़ रहा है, फिर भी इसको इतना बड़ा इशू बना दिया था, अब वो वर्डिक्ट आ गया, लेकिन फिर भी लोग अभी फैसला करने लग गए। जैसे
कोर्ट का तो फैसला उन्होंने सुना दिया, लेकिन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना? मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका लाइट का बिल, आपका लाइट का बिल कोई भर रहा है, आपके घर का भाड़ा कोई भर रहा है, आपको कोई खिला रहा है, आपका कोई पगार दे रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि भाई चलो हमको इसका काम है, और अगर ये सब नहीं है, आप खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, अपने घर को खुद संभाल रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आप प्लीज ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड ना करें, ऐसे मैसेजों पे कमेंट ना करें। मेरे हिंदू भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसी मैसेजों पे लड़ाइयां ना करें। ये आईटी सेल है, ये आईटी सेल है बीजेपी और एमआईएम का जो ये करवा रहा है, और इससे बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें इंटरनेट पे ऐसी कोई भी कमेंट, कोई भी चीज को आगे नहीं करना है, हमें वहीं रोक देना है, क्योंकि हमारे घरों में बच्चे हैं, माँ बहनें हैं, और हम सबको मिलजुल के रहना है। हमें हमारे नबी ने कहा कि मस्जिदों को आबाद करो, हमारे नबी ने कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं किया, ऐसे कोई उन्होंने बयानात नहीं किए, उन्होंने तो किस किस को माफ नहीं किया जिन्होंने उनको इतनी तकलीफ पहुंचाई, जिन्होंने उनको इतनी प्रॉब्लम दिए, उनको पत्थर मारे, उन पे भाले निकाले, उनके दांत मुबारक शहीद किए, उनके नवासों को शहीद किया, क्या क्या नहीं किया, वो सबको नबी ने बोला जिसने हाथ ऊपर कर दिए उसको भी माफी, जो घर के अंदर चला गया उसको भी माफी, जो हथियार डाल दिया उसको भी माफी, जिसने माफ करने वाले थे, रहम दिल थे हमारे नबी, वो इस्लाम है। हम मुसलमानों को देख के इस्लाम को जिद मत करिए, इस्लाम बहुत अलग है और मुसलमान बहुत अलग है, दो अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। इस्लाम का नाम है पीस, और अभी हमें सही इस्लाम पेश करना है हिंदुस्तान में, और वो है पीस, ताकि आने वाली नस्लें याद रखे कि इस्लाम का असली मायना क्या है। तो आप ये मानते हो कि आईटी सेल जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा आतंकवाद है? आईटी सेल और मीडिया को भी सॉरी बुरा मत मानना, मैं आप लोगों को भी ब्लेम करूंगा जी, आप बुरा मत मानना जी, 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 कि मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर मीडिया ऐसे वेट्रिक को, ऐसी चीजों को जलाए ही ना तो ये सब कुछ होगा ही नहीं। अगर मीडिया सिद्दीकी नवेशी साहब के जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, सब पहुंच गए उनके घर पे और सबने उनका बयान, अरे आप उस लॉयर के पास जाइए ना जिसने इसका केस लड़ा, अगर असद साहब इतनी फिक्र थी आपको तो आप बैरिस्टर थे, आप बाबरी मस्जिद का केस लड़ लेते। अब जिसने लड़ा है उसके पास मीडिया नहीं जा रही, असद भाई के पास जा रही है। भाई हम मुसलमानों का ठेका और हम मुसलमानों का कोई रहनुमा है और हमारा कोई पावर है तो वो हमारे नबी है, हमारे अल्लाह ताला है, और हम किसी को ना मानते हैं, ना फॉलो करते हैं, और ना हम करेंगे। और मेरी गुजारिश यही है सबसे, असद भाई हमारे भाई है, आवाज उठाते हैं हमारे लिए, लेकिन जहां सही आवाज उठती है वो सही है, यहां मैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, ना मैं चाहता हूं आप लोग भी सपोर्ट करें जी जी। और एक आखिरी सवाल कि अब से इलेक्शंस में हमें शायद अयोध्या का जिक्र नहीं दिखेगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो हो गया फैसला सही हो गया अब, क्योंकि हर इलेक्शन में अयोध्या, हर इलेक्शन में राम मंदिर, हर इलेक्शन में बाबरी मस्जिद, इनको लेकर के लाइक वोट्स नहीं, अभी क्या होगा कि अब ये मुद्दा मुसलमान लीडर लोग उठाया करेंगे, इसके पहले हिंदू लीडर लोग उठाते थे कि राम मंदिर को तोड़ा गया, राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाई गई, ये हो गया। अब मुसलमान, मैं मुसलमानों से बहुत बहुत पते की बात बता रहा हूं, याद रखना, बहुत पते की बात बता रहा हूं। अब जब इलेक्शन होगा, अभी बिहार में इलेक्शन है, वहां पर असद भाई ये मुद्दे उठाएंगे कि भूल गए बाबरी मस्जिद छीन ली गई, बाबरी अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ होता है मुसलमानों, यह बात याद रखना, नहीं होता। तो ये मुद्दों पे किसी को वोट मत देना, ये मुद्दों पे किसी को धर्म के नाम पे वोट मत देना। जो काम कर रहा है, जो तुम्हारे लिए हक के लिए लड़ रहा है, धर्म के लिए नहीं, तुम्हारे हक के लिए, कि तुम्हारे रास्ते नहीं बने, तुम्हारी स्कूलें नहीं बनी, तुम्हारे हॉस्पिटल नहीं बने, तुम्हें नौकरियां नहीं मिली, तुम्हें काम नहीं मिला, इसके लिए, इसके लिए। और क्या योगी जी इसको अपना एक ये बनाएंगे कि हाँ मेरे अरे अब योगी जी और मोदी जी तो ये करने वाले हैं
कि देखो हमने जो वादा किया था वो पूरा किया, कि भाई हमने जो वादा किया था राम मंदिर बनवाने का वो बीजेपी ने 100 साल के अंदर पूरा किया, हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। अब देखो यही होगा। अच्छा वहां तो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में भी एजाज भाई कौन बनेगा सीएम? क्या कहना चाहोगे यार? क्यों मुझे ऐसे सवाल करते हो? क्या कहना चाहिए, क्या मतलब? आई डोंट नो कौन बनेगा सीएम। राष्ट्रपति शासन ले आओ यार, सबसे बेस्ट होगा हम सबके लिए। अब हम कहाँ आ गए, देखो क्या हाल हो गया हमारे देश का। खाने को हमारे पास अन्न नहीं, किसान मारा जा रहा है, जवान मारा जा रहा है, नेता माल खा रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुत्तों को बिस्किट खिलाए जा रहे हैं। कहाँ है हमारा देश? क्या रिस्पेक्ट वुमन सिर्फ हमारे देश की हमारी माँ बहनों को रिस्पेक्ट करना है? रिस्पेक्ट वुमन मतलब पूरी दुनिया की औरतें आगे, ह्यूमैनिटी मतलब पूरी दुनिया के लिए हमारे दिल में रहम होना चाहिए। हमारा देश कहाँ जा रहा है? हिंदू मुसलमान में बांट के तो हमारे देश को रख दिया है। अब बस दुआ करता हूं मैं कि हमारा देश और हमारे देश के वासी बहुत तो समझ जाए कि भाई समझो, ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू। लास्टली आप अपने फैंस को क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं, तुम हिंदू हो, मैं तुम्हारी गीता पढ़ लूं, तुम मेरा कुरान पढ़ लो। मैं तुम्हारी गीता पढ़ लूं, तुम मेरा कुरान पढ़ लो। और मेरा सपना यह है, मेरा अरमान यह है कि एक ही थाली में पूरा हिंदुस्तान खाना खाए हमेशा के लिए। देखो हर से हिंदू है, म से मुसलमान है, और हम से सारा हिंदुस्तान है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।